दिल्ली एनसीआर में फिर दमघोटू हवा का खतरा छाया हुआ है। पराली के धुएं और हवाओं की बदली दिशा ने परेशानी लोगों की और बढ़ा दी है। आने वाले दो दिन में इमरजेंसी के स्तर को पार कर सकती है हवा, इस तरह के प्रयास लग रहे हैं। तो दिल्ली में AQI का जो स्तर है वो फिलहाल 457 पहुंच चुका है और अगले दो दिनों तक हालात और बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सांस लेना और भी दुभर होता चला जा रहा है। इमरजेंसी की ओर पहुंचने की आशंका यहां पर इस प्रदूषण के स्तर की, और आज के अगर AQI लेवल की बात करें तो ये 400 से ज्यादा स्तर तक पहुंच गया है, और आने वाले जो दो दिन हैं वो और भी यहां पर दिक्कतें लोगों की बढ़ा सकते हैं। तो AQI का स्तर दिल्ली में 457 तक पहुंच गया है और अगले आने वाले दो दिनों तक कोई राहत फिलहाल लोगों को दिखाई नहीं देगी। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्मॉग का कहर है, उसके बाद ये नजारा। पर पोल्यूशन में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा उससे कुछ खास।